जिला मुख्यालय नाहन के शिक्षण संस्थान डाइट में सिरमौर के 14 शिक्षा खंड प्रमुखों की एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें कोरोना काल के बाद खुले स्कूलों में आ रही समस्याओं एवं परेशानियों को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए डाइट प्रधानाचार्य ऋषिपाल शर्मा ने कहा कि जिला सिरमौर के 14 शिक्षा खंडों की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें ब्लॉक प्रोजेक्ट अधिकारी, प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी एवं BRC शामिल हुए। बैठक में कोरोना काल के बाद खुले स्कूलों में आ रही समस्याओं के बारे विस्तार पूर्वक चर्चा की गई और स्कूल प्रमुखों को उचित दिशा निर्देश जारी किए गए। उन्होंने बताया कि बैठक में राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर भी विस्तार से चर्चा करने और अभिभावकों को शिक्षा नीति बारे जानकारी देने बारे कहा गया है। उन्होंने बताया कि इसके अलावा बैठक में हर घर स्कूल, व्हाट्सएप क्विज एवं विद्यालय में चल रहे निर्माण कार्य पर भी चर्चा की गई। आज ये जो हमारी बैठक चली हुई है, जिसमें कि हमारे जिला के जितने 14 शिक्षा खंड हैं, उन सब के ब्लॉक प्रोजेक्ट ऑफिसर्स और खंड प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी, सभी BRC और सभी JEE इस बैठक में आते हैं। तो आज कोरोना काल के बाद ये बैठकें अब हमारी नियमित रूप से शुरू हो गई हैं। तो उसमें आज हम हर घर पाठशाला, व्हाट्सएप क्विज और जो हमारी नियमित गतिविधियां हैं, जैसे कि सभी विद्यालयों में जो भी निर्माण कार्य चले हुए हैं, रिपेयर कार्य चले हुए हैं, और एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर सभी अभिभावकों से, सभी विद्यार्थियों से और सभी विद्यालय प्रमुखों से बातचीत होनी है, तो उसके बारे में भी आज चर्चा परिचर्चा की जाएगी। और सभी विद्यालयों को जो अभी कोरोना काल के बाद नई समस्याएं आ रही हैं, उन समस्याओं को सुलझाने के लिए भी कुछ दिशा निर्देश दिए जाएंगे, जिसमें कि सभी विद्यालयों को SOP गाइडलाइंस जो हैं उनको पालन करने के लिए जो है कहा जाएगा। PLTV के लिए नाहन से ब्यूरो रिपोर्ट।